कुछ नहीं छुपाई गई है, उसमें तो बनी हुई थी। आज कोई इंट्रोडक्शन और अभिवादन की हम बात नहीं करेंगे, आज सीधे हम बात मुद्दे की करेंगे। हम इस कोल्हान के सबसे बड़े अस्पताल, इंसानियत के दुश्मन और हैवानियत को बचाने वाले अस्पताल MGM में हैं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, हालांकि ये अपने कारनामे के साथ हमेशा ये अस्पताल जो है चर्चित रहता है। इसे सुधारने के लिए स्वास्थ्य मंत्री लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अस्पताल के लोगों की रवैया ऐसा है कि वो सुधरना नहीं चाहते। मामला काफ़ी गमगीन है और काफ़ी शर्मसार करने वाला है, क्योंकि मामला काफ़ी पुराना है। 5 मार्च की रात एक महिला के साथ, जो महिला वार्ड में भर्ती थी, 2 महिलाओं के सामने एक अज्ञात व्यक्ति रात में इस अस्पताल के अंदर एंट्री करता है और उसके साथ दुष्कर्म करता है। वो महिला रात भर रोती है, चिल्लाती है, लेकिन अस्पताल के तरफ से किसी भी तरह के सुरक्षा या कोई भी व्यक्ति उसके पास बचाने के लिए नहीं जाता है। और जब अस्पताल को पता चलता है, जब सुबह होती है, तो उसे फौरन जो है यहाँ से उस महिला को डिस्चार्ज कर दिया जाता है, मामले को लिपापोती कर दिया जाता है। जब कुछ स्थानीय पत्रकारों ने, लोगों ने सवाल उठाया, तो इस मामले को अफवाह बनाकर लगातार अस्पताल प्रशासन टालते रहा। यहाँ तक कि जो स्वास्थ्य मंत्री है, उनको भी ये जो अस्पताल प्रशासन जो है गुमराह करते रहा कि यहाँ पर कोई ऐसा मामला नहीं हुआ है। लेकिन प्रशासन ने इस मामले में तफ्तीश करके उस महिला, उस पीड़िता को खोज निकाला है। उसने अपना बयान दर्ज करा दिया है कि उसके साथ 5 मार्च को क्या हुआ था, कैसे जब एक वार्ड में, महिला वार्ड में 3 महिलाएं उस वार्ड में भर्ती थी, एक अज्ञात व्यक्ति आता है और एक महिला जो 50 वर्षीय थी उसके साथ जो है रेप दुष्कर्म करता है, उसके मुंह में कपड़े ठूस देता है, जो 2 महिलाएं हैं वहाँ उन्हें चाकू से डराता है कि तुम जुबान नहीं खोलोगी। हालांकि वो तब भी वो महिला जोर जोर से चिल्लाती है, बाहर के लोग भी आवाज़ सुनते हैं, लेकिन अस्पताल की सुरक्षा कर्मी वहाँ तक नहीं पहुँचते हैं। अंदाज़ा लगा सकते हैं, आपने देखा अभी हमने जब MGM के सुपरिटेंडेंट से बात करने की कोशिश की, सवाल किया, तो उन्होंने कैसे जो है सवाल को टालते हुए आगे बढ़ गए कि हम अभी बैठक कर रहे हैं। वो राक्षस है, उस पर क्यों छुपाएगा? कुछ नहीं छुपाई गई है, उसमें तो बनी हुई थी, लेकिन इसके बाद भी जो है उससे सबक लेने के अलावा इस मामले को दबाया जा रहा है। लेकिन हमारी कोशिश है सिर्फ पीड़िता महिला है, उसे न्याय मिले, और इसी कोशिश में सोशल संवाद आज यहाँ पर आया है। इसलिए हम इस सवाल उठा रहे हैं कि काम केवल जो है ये करने से, रजिस्टर कराने से नहीं होगा, बल्कि वैसे लोगों को आपको सजा दिलाना होगा।